इस वाले डब्बे के अनबॉक्सिंग करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। इसमें एक ऐसा फ्लैगशिप स्मार्टफोन है जिसको हमने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था। खोलने का टाइम आ गया फ्रेंड, फ्लैश जला के छोड़ दिया। ये है वीवो का नया और पहला फ्लैगशिप स्मार्टफोन। मार्केट में काफी सारे ऐसे फोन हैं जिनमें तगड़ा कैमरा है या फिर तगड़ा प्रोसेसर है, बट इन सारी चीजों को कंपाइल करके एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन बनाना बहुत ही कम कंपनीज कर पाती हैं। और वीवो ने नई कोशिश करी और हम भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। लेट्स गो फ्रेंड्स। एक केस मिल जा रहा जो सरप्राइजिंगली काफी बढ़िया क्वालिटी का है। एक हमारे पास चार्जर 55 वॉट का, उसके साथ तारे वारे मिल जा रहे। ओ ये दोस्तों हमको क्या दिखा, एक फ्लैगशिप के अंदर हेडफोन जैक। फोन में कोई भी गोल छेद नहीं, बट गोल छेद वाले ईयरफोन। अच्छा ओ भाई अडैप्टर भी लगा हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कवर भी सही लग रहा, स्टडीज आया। ये है वीवो का X60 Pro Plus, और जैसा कि हम नोटिस कर पाओगे इसके बैक साइड में पूरा लेदर लग रहा है, बट है ये वीगन लेदर है दोस्तों, फल पौधों वाला लेदर। बट एक चीज जो मेरा भी ध्यान खींच रही, आपका भी खींचेगी, ये है इस कैमरा कंपार्टमेंट। एक काफी इंटरेस्टिंग फीचर, अपने पैरों पर खड़ा हो पा रहा है, हैंड स्टैंड भी मार पा रहा भाई। जैसे कि आप डब्बे पे देख सकते हो साइज के पार्टनरशिप करी, और फोन पे भी काफी ज्यादा क्लियरली बता दिया गया कि भाई साइज का ठप्पा लग चुका है। मेरे को लग रहा है एक टाइम आ जाएगा जब पूरे स्मार्टफोन के बैक पे कैमरे कैमरे लगे होंगे। बट काफी डिफरेंट सा मटेरियल, सॉफ्ट टच है, हाथ में पकड़ने में काफी कंफर्टेबल सी फील दे रहा है। क्योंकि जितने भी एकदम अल्ट्रा वाले स्मार्टफोन्स है ना, S21 अल्ट्रा हो गया, उसके बाद iPhone 12 Pro Max हो गया, ये सभी 6.7 से 6.9 इंच की इनकी स्क्रीन रहती है। बट ये वाला एक काफी कंफर्टेबल 6.5 इंच की स्क्रीन के साथ आ रहा है। पर एक चीज रहेगी, गोरिल्ला ग्लास काफी डिफरेंट, इसमें स्कॉट भैया का मामला चल रहा है, स्कॉट सेंसेशन ग्लास लगा हुआ, कुछ तगड़ा हो ना हो कांच के ना भाई, गोरिल्ला स्कॉट सेंसेशन। वाओ साइड में मेटल ही है और ऊपर की साइड में फ्लैट है, राइट साइड में वॉल्यूम रॉकर और यहाँ पे पावर बटन है, और नीचे की साइड जैसे कि आपको पहले दिखाया था USB-C का पोर्ट है और एक स्पीकर है। और बैक साइड में जो सबसे बड़ा सेंसर आपको दिख रहा है वो प्राइमरी सेंसर नहीं है। ये वाला एक वाइड एंगल सेंसर है, इसका जो मिडिल वाला है ये प्राइमरी सेंसर है। और ये एक कंपैरिजन के लिए आपको बताऊं तो S20 अल्ट्रा का भी जो है उससे भी ये बड़ा सेंसर इसके अंदर लगा हुआ है। और बाकी एक टेलीफोटो और एक पेरिस्कोप लेंस आपको देखने मिल जाता है। नंबर बहुत सारे हो गए, बट एक्चुअल काम के बारे में बता दिया जाए। जैसे जिन लोगों को नहीं पता, हमने अपनी पुरानी वाली वीडियो में दिखाया था, ये वर्ल्ड वाइड वन ऑफ द बेस्ट कैमरा लेंसेज बनाते हैं। और इस वाले स्मार्टफोन के कैमरा में भी जो लेंस है वो जायस ने बना रखा, और उससे डेफिनेटली काफी तगड़ी तगड़ी चीजें हो जाती है। इसमें जो हमने वीवो की X60 Pro की वीडियो में दिखाया था, आप रात में बहुत तगड़ी फोटोज ले सकते हो, चांद की फोटो ले सकते हो, इसमें चांद मस्त दिख रहा है, तारों की भी फोटो खींच सकते हो, और उसके बाद जितने भी लेंसेज हैं उनमें ऑटो फोकस स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज हो गई है जायस के कोलैबोरेशन की वजह से। और एक और बहुत ही ज्यादा बड़ा एड ऑन, इनकी जो फोकस डिस्टेंस है वो बहुत ही कम हो गई है, उसकी वजह से आप जितने भी स्मार्टफोन लेंसेज हैं सबसे ही मैक्रो शॉट्स बहुत ही तगड़े ले सकते हो। बट इस वाले में ये फीचर्स वहीं इसके और एडिशनल चीजें भी ऐड कर दी गई। जैसे कि आप देख सकते हो ऊपर वाला जो सेंसर है काफी डिफरेंट लग रहा है नीचे वाले सेंसर से, क्योंकि इसके अंदर एक गिम्बल अटैच हो रखा है। गिम्बल जिन लोगों ने पता, एक ऐसी बड़ी सी मशीन होती है जिसको कैमरे में लगाया जाता है और बेसिकली स्टेबलाइज करती है। और इसको जो मैं आगे पीछे हिला रहा हूं या साइडवेज हिला रहा हूं तो जो कैमरे का लेंस है वो अलग हिल रहा है जो फोन की बॉडी है उससे। इससे स्टेबलाइजेशन में काफी मजा सा आ जाता है, दिखाता हूं। पार्क और टेस्ट कर लीजिए फ्रेंड्स। रनिंग टेस्ट भी कर लेते हैं। भाई नहीं रहा भाई, ऐसे करना नहीं चाहिए, बट एक बार कैच करा के भी देखें। ये लो साके भाई कैच करो। हमने इस छोटे से बर्ड की एक दो फोटोज खींची और इसमें जो बैकग्राउंड ब्लर है, लिटरल मेरी बीच की उंगली पे फोकस है बट पीछे की साइड पूरा ब्लर हो रखा है। और इस टाइप का बैकग्राउंड ब्लर इसमें इसलिए आ पा रहा है क्योंकि इसका जो प्राइमरी सेंसर है उसमें अपर्चर 1.57 है। जिन लोगों को पता नहीं है, ये नंबर जितना ज्यादा कम हो जाता है उतना ज्यादा नेचुरल बैकग्राउंड ब्लर आता है। बड़े बार चेक कर लेते हैं इंसानों की फोटो भी खींच के। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं होली पे ज्यादा भांग खा ली थी, अभी तक असर दिख रहा है। बट मजाक की बात साइड में, बैकग्राउंड में जो ब्लर दिख रहा है ना पेड़ों का, फिर उसके बाद पीछे बिल्डिंग्स भी हैं, ये सारा नेचुरली सेंसर से आ रहा है और बिना पोर्ट्रेट मोड के।
इसमें एक आई ऑडो फोकस वाला फीचर भी है जिसमें ऑटोमेटिकली आंखों को ट्रैक करता रहता है, जहां पे भी नजरें जाएंगी हर तरफ ट्रैकिंग हो जाएगी। ये वाला फीचर हमारे प्रोफेशनल DSLR कैमरा में है भाई। आई ऑडो फोकस के साथ साथ ये बॉडी को भी ट्रैक कर लेता है। वीवो के फोन में पोर्ट्रेट मोड टेस्ट करना भाई वेरी इंपॉर्टेंट, तो हम कर भी लेते हैं भाई। पोर्ट्रेट आप तीनों से ले सकते हो, एक प्राइमरी जो है, उसके बाद जो टेलीफोटो वाला है। ज्यादा ही पोर्ट्रेट लेना है तो फिर आप ये 5x वाले से ले लो भाई। जो एक्चुअल बैकग्राउंड में ब्लर आया है, ऐसा लग रहा है किसी महंगे से कैमरे से लिया हो। आपने फोटो लेने के बाद भी आप इसमें ब्लर चेंज कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, और अगर आपको फोकस भी चेंज करना है तो आप फोटो लेने के बाद भी कर सकते हो। इस वाले स्मार्टफोन से जो फोटोज निकल के आते हैं वो डेफिनेटली बाकी फ्लैगशिप से काफी अलग है। ये नेचुरल फोटोज नहीं है, इनमें काफी सारी प्रोसेसिंग हो रखी है, काफी सारा AI वाला मामला है, काफी सारा मसाला डला हुआ है, बट जो एक्चुअल फोटो निकल के आती है एंड में वो दिखने में बहुत ही मस्ती लगती है। आप रात में फोटोज लोगे, काफी सारी लाइट ऐड हो जाती है जो एक्चुअल रियल लाइफ में आपको खुद भी नहीं दिखेगी। ये सारी चीजें होने के बाद आपको रियल लाइफ वाली फोटो तो नहीं आ पाएगी, बट काफी मस्त फोटो देखने के लिए मिल जाएगी जो और फ्लैगशिप्स में आपको नहीं देखने के लिए मिलती। इसमें बैक साइड में अगर आप देखोगे तो ज़ाइस के नीचे T-Star लिखा है। बेसिकली एक कोटिंग होती है जिसकी वजह से अगर आप लाइट की फोटोज लोगे तो उसकी वजह से जो रिफ्लेक्शन आते हैं, सोगी फील आती है, वो आपको नहीं देखने के लिए मिलती। छोटी चीज है बट क्योंकि हर तरफ लाइट ही चल रही है इसलिए काफी बड़ा फर्क पड़ जाता है। इस वाले में स्नैपड्रैगन 888 है और एक 5G स्मार्टफोन है, पर जितनी भी चीजें आप एक्सपेक्ट करो एक फ्लैगशिप के साथ पूरा मस्त स्लाइड हो रहा है। AMOLED 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है, UFS 3.1 स्टोरेज है, Android 11 पड़ा हुआ है। UI में अगर आप देखोगे तो एक दो एक्स्ट्रा एप्स हैं, डेली हंट है, मौज वॉच करी जा रही है, बट कोई भी एड या फिर कोई बेकार वाला सामान नहीं है। बट UI में एक चीज काफी इंटरेस्टिंग डाल रखी है, वो है कस्टमाइजेशन। आप हर चीज का एनिमेशन, चाहे वो फेस रिकॉग्निशन का हो, चार्जिंग का एनिमेशन चेंज करना हो, फिंगरप्रिंट का आपको एनिमेशन चेंज करना है, छोटी छोटी चीजें जैसे USB इंसर्शन का भी जो एनिमेशन है, ऑन ऑफ करने का भी जो एनिमेशन है, सारी चीजें आप चेंज कर सकते हो। और इस लेवल की कस्टमाइजेशन एनिमेशन के मामले में मैंने किसी भी और स्मार्टफोन में नहीं देखी। मैं लिटरली कस्टम रोम आती है एंड्रॉइड वाली, उसमें भी इतनी एनिमेशन नहीं देगी। एक चीज है जो डेफिनेटली थोड़ी सी बेटर हो सकती थी वो है इसकी बैटरी। 4200 mAh की देखने के लिए मिल जाती है, 4500-5000 होती तो और ज्यादा मजा आता, बट इसमें भी काम चल जाएगा। सारी चीजें चलती रहेंगी बट गाना बजाना वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रेंड्स यूट्यूब चला लेते हैं, एक ही स्पीकर है जो नीचे की साइड पे, एक फ्लैगशिप के हिसाब से भाई ऊपर वाला भी स्पीकर होना चाहिए था। बट लास्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात कर लीजिए, वो है इसका प्राइस। ऑल्दो हर चीज में टॉप ऑफ द लाइन है, बेस्ट इन क्लास कैमरा, बेस्ट इन क्लास परफॉर्मेंस, जो बिल्ड भी है डेफिनेटली काफी प्रीमियम है, और ये आ रहा है 70,000 के प्राइस पॉइंट में, जो एक कम्प्लीट पॉलिश फ्लैगशिप के लिए डेफिनेटली एक तगड़ा प्राइस है। जो इंटरफेस है वो एक ऐसी चीज है जो काफी सारे लोगों को पसंद आता है वीवो का, काफी सारे लोगों को नई सेट बैठता, डेफिनेटली इंप्रूव हुआ है काफी, बट ओवरऑल जो प्रोडक्ट है वो डेफिनेटली काफी एक वैल्यू स्मार्टफोन है। और होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा, अगर लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में हूं। ओ गाना आई।